अरे रे 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 रे, का हाल कर दिया सरकारी बाबू का। शादी के लिए बोल रही है, नहीं नहीं भी भिखारी का रोड बढ़ा रहे थे, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार करे, ठीक है। बीचे सड़क पर ब्याह करा दिए, बिना ताम झामे के सरकारी टीचर का वरमाला भी हो गया, और सिर्फ इसलिए कि सरकारी टीचर बनने के बाद भाव खा रहे थे, और सिर्फ इसलिए कि दुल्हा बनने से पहले बाबू टीचर बन गए हैं। अब भाव तो बढ़वे ना करेगा सरकारी नौकरी का, सरकारी बाबू का भाव भी ऐसा कि अब वादे भूलने लगे कि दुल्हन जिसे बनाना था सरकारी नौकरी लगने के बाद उसके साथ दगा कर रहे हैं। फिर तो सरकारी बाबू को ऐसी याद दिलाई गई कि सब याद आ गए। शादी के लिए बोल रही है, नहीं भी कमा दे, भिखारी का रोड टोटा बढ़ा रहे थे, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार करे, ठीक है। क्या बनाएगा तुमको, नौकरी लगने के बाद तुम यहाँ, जब हम मार लो। बिहार में यही तो सरकारी नौकरी का क्रेज है। बेरोजगारी में भी लड़की वाले मान गए थे, शादी तय कर दी। 2 साल से अपने होने वाली दुल्हन के साथ बाबू प्यार के रंग में गोते लगा रहे थे। और जब सरकारी नौकरी लग गई तो पीछा छुड़ाने लगे। फिर लड़की कहाँ मानने वाली थी, बेरोजगार जब था तब तो अपना बना लिया था, अब तो सरकारी नौकरी लग गई थी तो पीछा कैसे छोड़ देती। ब्याह के वादे भूलने वाले सरकारी शिक्षक के घर अपने परिवार के साथ लड़की पहुंच गई, और फिर वो तमाशा हुआ जिसे देखने वालों की भीड़ लग गई। जबरन शादी करवाने के लिए लोग बेचैन थे, जमुई के गिद्धौर में हालात पल पल बदलते रहे, और बदलते बदलते तस्वीर ये बदल गई कि सरकारी बाबू के हाथों लड़की की मांग में सिंदूर डलवा दिया गया। जबरन ही सही, हो गए दोनों पति पत्नी। सरकारी बाबू अब दुल्हा बाबू बन गए, जिस लड़की ने 2 साल हर वक्त जिस शख्स का साथ दिया वो अब दुल्हन बन गई। शादी के लिए बोल रही है, नहीं भी कमा दे, भिखारी का रोड टोटा बढ़ा रहे थे, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार करे, ठीक है। टोटली कहें तो पकड़ुआ ब्याह के लिए बदनाम बिहार में एक और पकड़ुआ ब्याह हुआ। जमुई में सरकारी नौकरी का भी क्रेज दिखा कि यूं ही सरकारी बाबू बिहार में रौब में नहीं रहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 22 को। मार दीजिए।